इतनी देर हो गई इंतजार करते करते, दिमाग की दही बन गई है, दही नहीं आया। अब्बा सही कहते थे, मैं ही नहीं सुनता था। क्या कहते थे अब्बा? जब सुनता नहीं था तो क्या बताऊं। और अम्मा भी सही कहती थी। और क्या बोलती थी अम्मा? अम्मा कहती थी, अगर बीबी को खुश रखना ना तो चापलूसी किया कर, उसको शॉपिंग कराया कर, उसके हुसन की बिलाओ जा तारीफ किया कर, जीने मरने की कसम खाया कर, उसको होटल ले आया कर, बाहर खाना खिलाया कर। तुम्हारी अम्मा इतनी ही स्पीड से कहती थी? हाँ, पूरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मा को शुएब अख्तरी कहती थी। और अम्मा को मोहल्ले में पिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था। मेरी अम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं करना, पता है मेरी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है मेरी। वो तो सबकी माँ के पाँव के नीचे होती है। मैंने मैंने देखा तुम्हारी अम्मा के पाँव के नीचे चुटी हुई चप्पल थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मर्द को खुश करने के लिए क्या जरूरी है? मर्द को खुश रखने के लिए क्रिकेट का मैच जीतना बहुत जरूरी है, वरना बहुत रोते हैं मर्द। अच्छा सिर्फ मर्दों को ही क्रिकेट मैच पसंद नहीं है? मियां नवाज शरीफ अगर क्रिकेट मैच के शौकीन है ना, तो फिर दोस्त आशिक अवान भी बैट बांध के ना चौके और छक्के लगाती है। यार कितना मजा आता होगा ना जब इनकी कमेंट्री होती होगी, कमेंटेटर कहता होगा रजिया बहुत अच्छी डिलीवरी करा रही है, कुलसुम ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, और आमना गेंद के पीछे भाग रही है, और गेंद के पीछे भाग रही है भाग रही है, वहां पे स्टेडियम में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, रिक्शे में बैठ के निकल गई, मैच खत्म। औरतों की ना कदर करना सीखो, औरत माँ है। अब्बा के लिए। औरत बहन है। बहनोई के लिए। औरत बेटी है। दामाद के लिए। औरत बीवी है। वो मेरे लिए। वो भूल गई, औरत पड़ोसन भी तो है। वो किसके लिए? वो उसी पड़ोसी के लिए जो पड़ोस में रह रहा है। कुछ लड़के ना सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते कि उनको कपड़े और बर्तन धोने पड़ेंगे। अबे चल, बर्तन तो सिर्फ 10 मिनट में धुल जाता है। आयशा जी, बर्तन धोने में तो ये स्पीड स्टार है। हाय हाय हाय। उनको मेरी सीवी क्यों दे रही है? अब मैं शादीशुदा हूँ, बैठे रहिए। उनको ना एक बुजुर्ग ड्राइवर की जरूरत है। मेरी ड्राइवरी वाली सीवी दे तो शोहर वाली दे रही है। आजकल महंगाई की वजह से मेकअप का सामान और ब्यूटी पार्लर के चार्जेस आसमान तक चले गए, तभी तो हल्का सा करती बस चल जाओ। और रोती इसलिए नहीं है, पता क्या, उस शादी में सब रो रही होती है, दुल्हन अपना मेकअप ठीक कर रही होती है, 40,000 मुंह पे लग गए। एग्जैक्टली। सुबह उठता है दूल्हा, उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या है? ये क्या है? अम्मी भाऊ। असर मोहसिन ने सोचा जाए ना, मेकअप एक ऐसा औजार है जो जमीनी हकीकत को छुपाती है। मौसूफ फिक्के से दानेश्वर भी हैं। अच्छा, मैं शुगर नहीं इस्तेमाल करता। मेरी बात सुनो, लड़कियां सिर्फ हसीन ही नहीं, ज़हीन भी होती है। बहुत ज़हीन है भाई ये, बहुत ज़हीन है। No doubt. कल मुझसे लड़ रही थी, कह रही है अलार्म कौन है जो मुझे 6 बजे कॉल करता है। इतनी ज़हीन है। अच्छा मर्द ना सारे गधे ही होते हैं। मैंने गधों पे रिसर्च की है, वो अपनी गधी के अलावा ना किसी को नहीं देखते। तभी तो लोग उसको गधा कहते हैं। गधा ऐसे ही थोड़ी बनता है आदमी। मर्द तो वो होता है जो बीबी के साथ मार्केट में जाता है, दूसरे औरतों को देख रहा होता है, घर में सहेलिया जो उसको ताड़ रहा होता है। और तुम ताड़ू हो? बेगम मैंने मर्दों की बात की है, शोहरों की थोड़ी की है। शोहर मर्द नहीं होते क्या? समझ आ कर यार, तुझे नहीं पता? नहीं, मैं मर्द हूं। यस। अच्छी और बुरी बीवी में क्या फर्क है? अरे मोहसिन, बीवी अच्छी भी होती है, है? क्या नहीं? ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छी होती है, मिलती कहाँ है ये? मेरा एक दोस्त है, हर नमाज में दुआ करता है ऊपर वाले मुझे एक नई सांस दे दे। अब ये परसों ऑफिस से घर आया, उसकी बीवी ने कहा मुबारक हो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली।